हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इंटरनेट पढ़ाई पे। मैं रेनू, आपकी बायोलॉजी टीचर। तो देखिए, हम अपना जो नाइन्थ क्लास का सिलेबस है वो कंप्लीट कर रहे हैं। उसमें हमारा जो चैप्टर था वो कौन सा चल रहा था? स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सजीवों की सामान्य संरचना, उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें जनरली सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा? सेल। कोशिका के बारे में पढ़ रहे थे हम कि कोशिका क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, थ्योरी पढ़ ली, उसकी पूरी स्ट्रक्चर पढ़ ली। लास्ट में हमने वही पढ़ा था, क्या टॉपिक कंप्लीट कर देते थे स्ट्रक्चर में हमने, उसकी सेल मेम्ब्रेन हो चुकी है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पार्ट कौन सा? साइटोप्लाज्म, यानी कि उसके अंदर कौन कौन से जो ऑर्गन्स प्रेजेंट है, वो सारे ऑर्गन्स हो चुके हैं। इसके बाद क्या आता है? न्यूक्लियस आता है, न्यूक्लियस हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब जो बिल्कुल फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सेल हो गया, बट जो एनिमल और प्लांट सेल है उनमें हमने देखे कि कुछ, हमने जगह जगह पे ये वर्ड यूज लिया कि कुछ ऑर्गन्स होते हैं ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो एनिमल सेल के अंदर एब्सेंट होते हैं। तो यानी कि उन दोनों के अंदर कहीं ना कहीं डिफरेंस हो गया। तो उन दोनों के अंदर हम दोनों को बिल्कुल कि दोनों कंपेरिजन से हम उनको एक बार पढ़ते हैं कि उन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होता है और उनको किस बेस पे रखा गया है प्लांट सेल में। क्योंकि हम ह्यूमंस को प्लांट सेल में क्यों नहीं रखा गया, प्लांट्स में क्यों नहीं रखा गया? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो करेक्टर्स है वो सिर्फ एनिमल सेल के हैं, जो कि प्लांट्स के अंदर करेक्टर कैसे हैं, उन सेल्स के कुछ करेक्टर सेम हो सकते हैं, कुछ प्रेजेंट हो सकते हैं, कुछ एब्सेंट हो सकते हैं। बट कौन कौन से करेक्टर्स हैं, कुछ जो आपके एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, आपके नाइन्थ के लेवल के हिसाब से हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? पादप और जंतु कोशिका में अंतर। पादप और जंतु कोशिका में अंतर। तो देखिए, यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे कि पादप कोशिका के अंदर कौन से ऑर्गन्स हैं जो उसको डिफरेंस कर रहे हैं किससे? एनिमल सेल्स। एनिमल सेल के अंदर से कौन से डिफरेंस है जो किसको अलग कर रहे हैं उसको? प्लांट सेल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कि उन दोनों में ऑर्गन्स के बेसिस पे कैसे कैसे उनको डिवाइड किया गया। तो देखिए, ये पार्ट तो होगा प्लांट्स का, ठीक है, ये वाला पार्ट होगा एनिमल्स का, ओके। और यहां पे हम लिखेंगे इनके करेक्टर्स, क्योंकि इनको कोई ना कोई तो बेस होगा, उसी के बेस पे तो अलग किया है, उसी के बारे में तो हम पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हम शुरुआत करते हैं कोई भी कोशिका, उसको सबसे बाहरी लेयर से शुरुआत करते हैं, सबसे आउटर कवरिंग की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, प्लांट सेल के अंदर क्या था, ठीक है, कोई ना कोई झिल्ली प्रेजेंट होगी। तो हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कोशिका में, तो क्या बताया था कि चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, कोशिका झिल्ली प्रेजेंट है। लेकिन जो प्लांट सेल होती है उनके अंदर उससे भी बाहर झिल्ली प्रेजेंट होता है, हम उसी की बात करेंगे जब आउटर कवरिंग की बात कर रहे हैं। तो इसमें सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। अब ये कोशिका भित्ति सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होती है? सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है, सिर्फ जो पादप कोशिका होती है उसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो इसकी प्रेजेंस देखेंगे प्लांट सेल में क्या होगी, ये प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब इसके अंदर प्रेजेंट है तो इसका फॉर्मेशन भी तो किसी मैटर से हुआ होगा। तो ये किससे बनी हो सकती है? जैसे हमने आपको बताया था जब इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ा, तब की सेलुलोज से मिलके भी बनी हो सकती है, हेमी सेलुलोज से भी मिलके बनी हो सकती है, पेक्टिन से भी मिलके बनी हो सकती है। बट यहाँ पे हम क्या प्लांट के लिए किसके मिलके बनी होगी? सेलुलोज से, ठीक है। ये बात हो गई प्लांट सेल की। लेकिन जो एनिमल सेल होती है उनके अंदर ऐसा नहीं होता है, उनके अंदर से क्या प्रेजेंट होती है? सेल मेम्ब्रेन। जो कॉमन ऑर्गन्स है उनका हम नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ठीक है पता है वो ऑर्गन्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? सेल वॉल। एनिमल्स के अंदर ये क्या होगी? एब्सेंट होगी। हो गया फर्स्ट डिफरेंस, किसके बेसिस पे? सेल वॉल के बेसिस पे, ठीक है। अब ये तो बात हो गई इनकी सेल वॉल की। अब अगला जो हम पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो कौन सा है, वो देखिए, क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक। हरित लवक जिसको हम बोलते हैं उसकी प्रेजेंस। तो देखिए, हम
ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस है इसका थोड़ा जो पार्ट है वो हम पढ़ चुके हैं सिक्स सेवन्थ क्लास में। क्या प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं सूरज की रोशनी में, तो वो सब चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ उसकी प्रेजेंस देख रहे हैं कि वो कहाँ पे उपस्थित है नहीं है उस चीज़ के बारे में। तो देखिए पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं और हरित लवक क्या पत्तियों का रंग हरा होता है उसके अंदर पर्ण हरित वर्णक प्रेजेंट होता है। तो ये पूरी प्रोसेस कहाँ है, प्लांट्स के अंदर है, एनिमल्स में ऐसा कुछ नहीं है। एनिमल्स तो क्या करते हैं, जिस भोजन को पेड़ पौधे बनाते हैं उसी को तो खाते हैं। तो इसमें क्या हो गया कि जो क्लोरोप्लास्ट है वो सिर्फ किसके अंदर प्रेजेंट होगा, वो सिर्फ जो प्लांट सेल है उनके अंदर प्रेजेंट होगा, इनके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। ये बात होगी फर्स्ट। नेक्स्ट इनके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज और क्या कि इनमें मेन जो सबसे चीज है जो देखिए आपके जो आप वही बात है, आप अगर जैसे आप 11th 12th हाई लेवल की क्लासेस में जाके पढ़ोगे तो भी वहां पे क्या चलेगा, फोटोसिंथेसिस जरूर चलेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है क्लोरोप्लास्ट किससे रिलेटेड है, फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, हो गया। कौन सा प्रकाश संश्लेषण किसके अंदर होगा, प्लांट के अंदर होगा। पौधे क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस करेंगे, जबकि एनिमल्स के अंदर तो क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। ये हो गया सेकंड डिफरेंस किसके बेस पे, जो क्लोरोप्लास्ट है हरित लवक जिसको बोलते हैं उसके बेसिस पे। अब अगला कौन सा करेक्टर आता है, तो देखिए हम इसका जो जनरल करेक्टर आपको उसकी स्ट्रक्चर भी कई बार बता चुके हैं, जो वैक्यूल्स होती हैं, क्योंकि वैक्यूल्स के बेसिस पे तो जो रिक्तिकाएं हैं उन्हीं के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो उनके अंदर भी तो कुछ स्पेशलिटी होगी तभी तो उनके बेस पे हम उनको अलग कर रहे हैं, तो वो कौन सी होती है वो देखते हैं। तो देखिए जो वैक्यूल्स जो प्लांट सेल होती हैं इनके अंदर क्या बताया था स्ट्रक्चर में, देखिए इस टाइप से पूरी सेल के अंदर क्या होती है वो प्रेजेंट होती है, कोशिका है जैसे ये उसके अंदर लगभग ये पूरा पार्ट किसका है, इस वैक्यूल्स का होता है। तो ये इसमें क्या किस सिचुएशन में होती हैं, यहाँ पे तो कैसी होंगी वो बड़ी होंगी और उसकी संख्या कितनी हो सकती है, एक या दो हो सकती है। जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर इसकी क्या पोजीशन होती है वो देखते हैं। इनमें ये जो वैक्यूल्स होती हैं ये कैसी होंगी, बहुत छोटी होंगी। फर्स्ट बात तो क्या होगा, बहुत छोटी होंगी, छोटी होंगी या फिर एब्सेंट भी हो सकती है, किसी के अंदर क्या हो सकती है, एब्सेंट होती है। जबकि प्लांट सेल में तो क्या है, पूरा बड़ा रूप है उसका, पूरे ऑर्गन्स को इसने क्या कर दूसरी साइड खिसका दिया, केंद्र की सिचुएशन को पेरिफेरल कर दिया, किसने, रिक्तिका ने। तो ये एक और डिफरेंस हो गया, क्योंकि हमने आपको बताया अगर किसी सेल को पहचानना है तो अगर मान लीजिए आपको सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन वाला पार्ट भी समझ में नहीं आता है तो आप वैक्यूल्स के बेस पे बता सकते हैं, क्योंकि वैक्यूल्स बड़ी किसके अंदर प्रेजेंट है, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। तो आपको आगे समझ में इतना पार्ट। तो अब नेक्स्ट इसके अंदर कौन सा डिफरेंस आता है हम वो देखते हैं। अगला आता है इसके अंदर सेंट्रोसोम, तारककाय, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं, इसकी जो भी जनरल इंस्ट्रक्शंस थे इंफॉर्मेशंस थे वो सारी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जितने भी जो ऐसे इसका इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसकी खोज किसने करी और ये कैसी स्ट्रक्चर होती हैं तारे लाइक स्ट्रक्चर, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे हम वो सब कुछ पढ़ने के बाद इसी डिफरेंस पे हम आए कि कुछ चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट है एनिमल्स में और कुछ चीज़ें किसके अंदर प्रेजेंट है प्लांट्स में, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा देख रहे हैं, नेक्स्ट सेंट्रोसोम से रिलेटेड। तो देखिए यहाँ पे अभी तक तो हमने क्या देखा, ये जो ऑर्गन्स थे सेल वॉल है, क्लोरोप्लास्ट है, वैक्यूल्स है, इनकी कोशिका भित्ति, हरित लवक, रिक्तिका है, इसके अंदर प्रेजेंट है, यहाँ पे मेन बेस यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, किसके अंदर, पादप कोशिका के अंदर, जबकि जंतु कोशिका के अंदर ये सारी चीजें क्या है, एब्सेंट है। लेकिन ये जो सेंट्रोसोम होता है ये प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होता है, इसके अंदर नहीं पाया जाता है, जबकि जो एनिमल सेल है उनके अंदर क्या होता है, ये प्रेजेंट होता है, पादप कोशिका में क्या होता है, ये उपस्थित होता है, उनके अंदर ये पाया जाता है। कौन, तारका है, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली, इसके बारे में भी पढ़ लिया, तो ये प्रेजेंट होता है वहां पे। तो ये एक और डिफरेंस हो गया, सिर्फ कुछ तो पहले तो क्या था, सिर्फ प्लांट के जो करेक्टर्स थे उसके बेसिस पे थे, अगले जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके बेसिस पे पढ़ रहे हैं,
जो एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट है उसके बेसिस पे। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको इजीली समझ आ रहा होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सॉरी हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हमारा नया वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत पता चल जाए कि हाँ ठीक है मैटर आ गया और आप इजीली पढ़ सको। और आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इससे, ताकि हमारा जो क्वालिटी एजुकेशन का मिशन है वो कंप्लीट हो सके और हम आप ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियोस प्रोवाइड करवा सके, लगातार आप हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर मान लीजिए आपको कोई कमी लगती है या फिर कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, सेंट्रोसोम हो गया, एबसेंट होगा किसके अंदर, प्लांट सेल में, प्रेजेंट होगा किसके अंदर, एनिमल सेल में। अब नेक्स्ट कौन सा ऑर्गन, नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी बॉडी। देखिए हम ये इन्हीं के बेस पे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए सेल के अंदर तीन स्ट्रक्चर थी, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ठीक है, हो गया। अब हमने सेल मेम्ब्रेन का पढ़ लिया सबसे पहले, सबसे बाहरी झिल्ली है उसी के बेस पे पढ़ा। सेल मेम्ब्रेन तो दोनों में प्रेजेंट है, डिफरेंस कहाँ हो रहा है, सेल वॉल के प्रेजेंस में। ठीक है, नेक्स्ट साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से, डायरेक्ट साइटोप्लाज्म ठीक है दोनों के अंदर है, लेकिन उनमें डिफरेंस कहाँ पे है, वो ऑर्गन्स में है, तो इसे उन ऑर्गन्स को हम अलग अलग पढ़ रहे हैं। उसमें क्या क्लोरोप्लास्ट हो गया है, वैक्यूल्स हो गए, माइट्रो सेंट्रोसोम हो गए हैं। अब कौन सा ऑर्गन आता है, गोल्जी बॉडी। तो देखिए ये जो प्लांट सेल होती है उसके अंदर ये कैसा होता है, कम विकसित होता है, उसका डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो पाता है, किसका, गोल्जी बॉडी का, किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर पूरी तरह से इसका विकास नहीं होगा। जबकि जो एनिमल सेल है उसके अंदर क्या होता है, पूरी तरह से वो विकसित होता है, पूरा उसका विकास हो चुका होता है। और कैसा है वो, एक्टिव, सक्रिय होता है वो। ठीक है, कौन, जो गोल्जी बॉडी है वो। अब देखिए ये नेक्स्ट करेक्टर इनका अलग हो गया, जिसने क्या किया, प्लांट सेल एनिमल सेल को अलग किया, किस बेसिस पे, गोल्जी का जो होता है उसके प्रेजेंट के बेसिस पे। प्लांट सेल में तो क्या होगा, प्लांट सेल के अंदर तो वो थोड़ा कम विकसित होगा, जबकि एनिमल सेल के अंदर वो ज़्यादा विकसित होगा। ठीक है, ये बात हो गई। अब देखिए इनके अंदर जो नेक्स्ट करेक्टर आता है वो कौन सा आता है, वो अगला देखते हैं हम इससे रिलेटेड। तो देखिए साइटोप्लाज्म हो गया है और सेल मेम्ब्रेन पहले हो चुकी है। अब हम देखते हैं इसका जो केंद्रक होता है उसकी पोजिशन के आधार पर, कि केंद्र की प्रेजेंस के वजह से। नेक्स्ट हमारा करेक्टर कौन सा आता है, जो केंद्रक है वो कहाँ प्रेजेंट है। अब देखिए जब पूरी स्ट्रक्चर हम आपको बता चुके हैं, तो मीन्स जो प्लांट सेल होती हैं उसके अंदर हमने यहाँ पे क्या बताया इस पार्ट में, वैक्यूल्स कैसी होती हैं, बड़ी होती हैं। और जब ये रिक्तिकाएं ही बड़ी हैं तो केंद्रक क्या हो गया, एक साइड हो गया। मान लीजिए कोई थोड़ी सी जगह है, एक पतला इंसान है, साथ में वहाँ पे कोई मोटा तगड़ा इंसान आ जाता है, तो क्या करता है, मोटे वाला अगर वहाँ बैठ जाता है, छोटे वाला तो वैसे कोने में हो जाता है। तो इसी तरीके से प्रोसेस इसमें होती है, जब रिक्तिका पूरी बड़ी हो गई इसके अंदर तो केंद्रक क्या हो गया, परिधि की साइड चला गया, किनारे की तरफ चला गया। तो उसकी पोजीशन कैसी हो गई, उसकी पोजीशन प्लांट्स में कैसी हो गई, परिधीय हो गई, पेरिफेरल हो गई। ठीक है, ये बात हो गई किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर, किसकी, न्यूक्लियस की। अब नेक्स्ट हम किसके अंदर देखेंगे, एनिमल सेल में देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर तो पेरिफेरल होगी, परिधि होगी। अब देखिए जो हमने, जो जैसे हमने आपको इस टाइम यूकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर बताई थी, उस टाइम हमने क्या देखा था, बिल्कुल सेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट था केंद्रक। तो वो जो जंतु कोशिका होती है उनके अंदर क्या होता है, बीच में प्रेजेंट होता है, सेंट्रल पार्ट होता है केंद्रक। तो यहाँ पे क्या पोजीशन हो जाएगी केंद्रक की, यहाँ पे तो पेरिफेरल है और यहाँ पे सेंट्रल। ये सारे बेसिस किसके हो गए, इनको डिफ्रेंशिएट करने के हो गए, किनको, प्लांट और एनिमल सेल को। और भी देखिए और भी एक दो करेक्टर्स हैं जो इनको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट करेक्टर आता है इनका वो किस बेस पे है, यानी कि इनके अंदर जो फूड मटेरियल होता है, यानी कि जो संचित खाद्य पदार्थ होते हैं उनके बेसिस पे। तो अगला डिफरेंस किस बेस पे आ रहा है, खाद्य पदार्थों के बेस पे। वो कैसे,
क्योंकि देखिए जो सभी जो जीव होते हैं मान लीजिए वो सब अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। कैसे? देखिए प्लांट्स हैं, प्लांट्स के हाथ पैर थोड़े हैं कि उन्होंने हाथों से बना लिया और हाथों से खा लेंगे। और जो एनिमल्स हैं उनमें क्या है, उनमें हाथ होते हैं, पैर होते हैं, वो चल भी सकते हैं, सब प्रोसेस कर सकते हैं। तो यानी कि उनमें जब हाथ पैर नहीं है तो उनके अंदर कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि जिससे वो भी अपने आप को सर्वाइव कर सके। क्योंकि देखिए धरती पर जितने भी जीव हैं वो सब क्या करते हैं, वो अपने आप को सर्वाइव करना चाहते हैं, अपने एग्जिस्टेंस को रखना चाहते हैं। तो प्लांट्स के अंदर क्या होता है, प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि ये जो फूड मटेरियल बनाते हैं, जो खाद्य पदार्थ बनाते हैं, वो उन फूड प्रोडक्ट्स ऐसे बनाते हैं जिनको ऐसे हाथ पैरों की जरूरत ही ना पड़े। उनकी भी जैसे प्लांट्स है, उनकी पूरी बॉडी है, उसके अंदर भी क्या होता है, ऐसे सिस्टम्स बने होते हैं। तो उनके अंदर जो खाद्य पदार्थ बनते हैं, जो खाद्य पदार्थ बनेंगे वो किस रूप में रहेंगे, स्टार्च के रूप में रहेंगे। तो उनमें क्या होता है कि वो इसी के बेस पे क्या करते हैं, वो जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन सबको ग्रहण करते हैं, सारे जो खाद्य पदार्थ हैं उनको इसी रूप में बनाते हैं। तो इनका खाद्य पदार्थ क्या हो गया, फूड प्रोडक्ट्स क्या हो गए, किनके, प्लांट सेल के, स्टार्च। ठीक है, तो इनका इनमें भोज्य, यानी कि यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि जो पादप होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होते हैं, तो वो किस रूप में होते हैं, वो इस स्टार्च के रूप में संचित होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे मेन बात है, ये आपको जरूर ध्यान रखने के खाद्य पादपों का, खाद्य पदार्थ संचित खाद्य पदार्थ जो है वो कौन से होते हैं या फिर खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित रहते हैं। तो आपको क्या ध्यान रखना है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, ये किसका हो गया, प्लांट सेल का। अब नेक्स्ट कौन सा बचा, नेक्स्ट बची हमारी एनिमल सेल, जंतु कोशिका। इसके अंदर, इसके अंदर जो खाद्य पदार्थ है वो किस रूप में, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं, किसमें, एनिमल सेल में। तो ये आपको आ गया समझ में। तो देखिए पूरा जो डिफरेंस है इनमें, क्योंकि सेल के स्ट्रक्चर पढ़ लिया हमने, सेल का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, तो इसीलिए हमने इसको आपको अलग से पढ़ाया है, कौन सा टॉपिक कि प्लांट सेल और एनिमल सेल का दोनों में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है दोनों में, कौन कौन से ऑर्गन्स की क्या क्या पोजिशन है। तो देखिए एक बार शुरू से देखते हैं, आपको ध्यान रखना है सबसे पहले ये आप नहीं भूलो, मान लीजिए आपके लार्ज बड़े क्वेश्चन में आ गया, आपके ऐसे टाइप क्वेश्चंस में आ गया कि पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर दीजिए, तो आप कैसे बताएंगे, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे। आपको सिर्फ ये ध्यान होना चाहिए कि सेल की जो स्ट्रक्चर थी उसमें कौन कौन से पार्ट थे, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस। ठीक है, सबसे पहले आप उठाओ सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन उठाई, सेल मेम्ब्रेन क्या, तो दोनों में सेम थी सेल मेम्ब्रेन, तो डिफरेंस कहाँ था, सेल वॉल पे, तो फर्स्ट डिफरेंस टिक करो सेल वॉल पे। ठीक है, सेकंड पार्ट कौन सा आता है, साइटोप्लाज्म आता है। अब डायरेक्ट साइटोप्लाज्म तो दोनों में है, लेकिन डिफरेंस किस पे है, ऑर्गन्स के बेस पे। तो हमने क्या पढ़ा, सारे ऑर्गन्स पढ़े, उसमें क्या पढ़ा हमने, क्लोरोप्लास्ट पढ़ा। तो पहला हमने क्या डिफरेंस किया, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किस में, प्लांट्स में होता है, एनिमल्स में नहीं होता है, ये हो गया। अगला हम जब उसकी स्ट्रक्चर देखते हैं कोशिकाओं की, तो क्या दिखाई देती है, रिक्तिका दिखाई देती है। उस रिक्तिका की पोजीशन क्या है, बड़ी है, क्योंकि आप देखिए आप ऐसा करिए, आप दोनों डायग्राम को साथ रखिए और आप फिर खुद के बेस अगर खुद से करेंगे ना तो आपको ज्यादा याद रहेगा। तो वैक्यूल्स की पोजीशन देखी, दूसरे में बड़ी है, दूसरे में छोटी है। सेंट्रोसोम क्रारकाय, उसके अंदर तो हमने पढ़ाई नहीं, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में होता है। नेक्स्ट आता है गोल्जी बॉडी, दोनों का डेवलपमेंट के बेस पे अलग किया है, ठीक है, इससे रिलेटेड हो गया। नेक्स्ट कौन सा आता है, केंद्रक की स्थिति, जो रिक्तिका पढ़ लिया आपने बड़ी है तो केंद्रक किधर हो गया, परिधि की तरफ हो गया, जिसके अंदर रिक्तिका बड़ी केंद्रक परिधि है, जिसके अंदर रिक्तिका छोटी केंद्रक सेंटर पार्ट में, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है इसके अंदर संचित खाद्य पदार्थ, तो प्लांट्स को तो क्या चाहिए, ऐसा चाहिए जो वो इजिली ग्रहण कर सके, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, स्टार्च के रूप में होते हैं, और एनिमल्स में क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं। तो ये किसके अंदर डिफरेंस था, प्लांट्स और एनिमल सेल के बेस पे, प्लांट और एनिमल में ऑर्गन्स के बेसिस पे सारे डिफरेंस थे। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो कमेंट और लाइक करके हमें अप्रिशिएट करें, और टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ आपको हर क्वेश्चन का रिप्लाई दिया जाएगा। और हमारे वीडियोस को रेगुलर पाने के लिए इंटरनेट पढ़ाई को सब्सक्राइब करें, और इस क्वालिटी एजुकेशन के मिशन को पूरा करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक पहुँचाने के लिए व्हाट्सएप एंड फेसबुक पर शेयर करके हमारा साथ दें।